नमस्ते सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल जगह जहाँ पे 2611 का अटैक हुआ था। वो एक दूसरी जगह थी, वो थी इजराइल वाला इजरायली ईरानी कैफे। तो आज हम लोग वहाँ जाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। तो हम लोग आ गए लियोपोल्ड कैफे। ये एक ईरानी कैफे है, 150 साल पुराना, और यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। इसी वजह से शायद यहाँ पे टेररिस्ट ने अटैक किया था। और यहाँ देखिए उस अटैक के अभी भी निशान, ये जो निशान दिख रहे हैं ये गोलियाँ हैं, इस पिलर में भी हैं। तो वेज में क्या खाना चाहिए? वेज में सर चाइनीज में पनीर चाहिए। चाइनीज नहीं, चाइनीज ऐसा पिज़्ज़ा या मस्का बन मस्का या इजरायली कुछ ईरानी कुछ या बॉम्बे मसाला वो ठीक है, एक वो हो जाएगा। पास्ता मिलेगा बन टाइप का, क्या बन में? बन में ये लोग जो बन में खा रहे हो। पिज़्ज़ा और येलो चिली फ्लेक्स। पिज़्ज़ा कैसा लगा? बहुत अच्छा। हाँ, तो ये जो ईरानी कैफे है वो 150 साल पुराना है और इसी तरह की भीड़ रहती है यहाँ पे। और पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है यहाँ पे, ज़्यादातर यहाँ पे आई थिंक नॉन वेज मिलता है, लेकिन वेज के लिए कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, उसमें से ये पिज़्ज़ा भी है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत यम्मी है। और इस ईरानी कैफ़े की सबसे अच्छी बात थी कि स्टाफ बहुत अच्छा था, तो तक्ष को इन्होंने फ्रूट काट के दिए, तो वो अच्छा एक जेस्चर था। लड़का है तुम्हारा भी यार। अभी हम लोग बैठे हैं मुंबई की टैक्सी में, ये भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए ना। हाँ, बहुत ही बुरा है। क्यों? गर्म बहुत है, चिपचिप बहुत है। गर्मी है, इस वजह से थोड़ा गर्म है, बट ये भी एक्सपीरियंस अच्छा है। तो ये है इंडिया का सबसे पहला स्टारबक्स कॉफ़ी। तो ये है ताज होटल और इंडिया गेट के पास वाला नज़ारा। तो थोड़ा आराम करने के बाद हम लोग फिर से निकल गए घूमने और डिनर करने के लिए। क्लॉक टावर ये एकदम उसके जैसा बना रखा है, बिग बेन के जैसा। एक वो है लंदन में बिग बेन। तो ये है हमारे होटल ताज के वाहन चालक। तो अब मैंने इनसे पूछा था 2611 के बारे में, क्योंकि उस टाइम ये ऑन ड्यूटी थे, बट ये किसी को एयरपोर्ट पे लेने गए थे। और तो उन्होंने 2611 जब हुआ था क्या क्या हुआ था, तो उस टाइम आप थे, तो गोलियों गोलियों की आवाज आती होगी आपके पास? सामने सामने से फायर हो रहा था मैडम। तो आप लोग डरे नहीं कि हम लोग को ड्यूटी पे नहीं आना? सबको था मैडम डर, तो सबको नहीं, मतलब ये नहीं हुआ ना आपको कि ड्यूटी पे नहीं आना चाहिए ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि होटल से सेफ्टी का पूरा ये था। और दूसरी बात, जैसे जब ये स्टार्ट हुआ तो होटल के बैक साइड में एक लियोपोल्ड कैफे करके रेस्टोरेंट है, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। वहाँ पर 10-12 लोग जो 10-11 लोग थे, उन्होंने वहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह किया शाम के रात के टाइम पे, और फिर वहीं से उन लोग ने स्टार्ट किया। वहाँ अभी भी जो फायरिंग हुआ था, जो बुलेट्स के निशान जो अभी भी वैसे ही वहाँ पर। हाँ, वो मैम ने देखे थे। और वहाँ से स्टार्ट करते हुए रस्ते से शूट करते फायरिंग करते हुए वो होटल, मतलब चार जन ताज होटल में होटल की तरफ आए, चार जन ओबरॉय की तरफ गए, दो जन बीटी स्टेशन। ओबरॉय में हुआ था जी? ओबरॉय में, पर ओबरॉय तो किसी को नहीं पता कि उसमें कुछ हुआ था। नहीं नहीं सर, हुआ था पांच सेम डे में, सेम टाइम पांच जगह, एक रेलवे स्टेशन पे भी हुआ था, जो बीटी स्टेशन, जो मेन। जो अच्छा, ओबरॉय की किसी को नहीं पता है कि ओबरॉय में हुआ था? नहीं पता। ऑपरेशन भी सब ताज का ही दिखा रहे थे टीवी पे, वो मानवी देख राइट पे ताज में जो है वो ज्यादा। ये क्या बिल्डिंग है राइट पे? ये सर वो स्टोर है, शॉपिंग स्टोर है ज़हरा करके, बहुत सुंदर बनाया है। तो कितने लोग थे वहाँ पे अटैक के टाइम पे? चार लोग जो टेररिस्ट जो थे। हाँ, चार लोग थे। नहीं नहीं, गेस्ट लोग कितने थे? गेस्ट तो पूरा होटल भरा हुआ था मैडम। ओके, यही है ना फैशन स्ट्रीट? फैशन स्ट्रीट सर यहाँ से स्टार्ट होता है, तो एंड ऑफ द स्ट्रीट लास्ट तक वैसा ही रहेगा। ये फैशन स्ट्रीट है। हाँ, तुम्हें जो समझ आए तो रोक के देख लो। ज्यादा करके जो कॉलेज स्टूडेंट जो है वो लोग यहाँ से बाय करते, क्योंकि ये जो लाइक टी शर्ट मार्केट, वो भी कपड़े का मार्केट है आगे की तरफ ना। हाँ, यहाँ से ले क्राफ्ट मार्केट।
आगे वैसे कुर्ते उड़ते मिल रहे थे यहाँ पर, जो ये व्हाइट कलर का जो लाइट लगा है ना वहाँ पर सब, ये मेट्रो मेट्रो का मरीन ड्राइव इसको कहते हैं, जो सी के जो बगल वाली जो लेक है वो है साइड, ये रोड है इसको मरीन ड्राइव बोलते हैं। और अब ये जैसे अभी ये लाइट नहीं होता, जब ये काम नहीं करते ना, तब ये जो स्ट्रीट लाइट है ना ये गोल्डन कलर तो ये ऐसा बड़ा सा ये है कर्व, तो इसके लिए वो नेकलेस के जैसा लगता है। ओके, कंस्ट्रक्शन वजह किसी एंगल से लग ही नहीं रही हॉस्पिटल है, बट बड़ा गजब बनाया है। वाह, ऐसा हॉस्पिटल होगा तो लोग खुशी हो जाएंगे जाते टाइम भी। सेंट्रल लाइन का ऑफिस रेलवे का, क्या ये चर्च? नहीं स्टेशन का ऑफिस मैडम। अच्छा स्टेशन का, चर्च के स्टेशन। अच्छा अच्छा, तो हम लोग आए खैबर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। पानी जो टपक रहा है, पानी दे रहा है। ऐसे रेस्टोरेंट में आके आपको कैसा लग रहा है? नॉर्थ इंडियन है जिसमें कश्मीरी, टिपिकली अफगानी कश्मीरी खाने का, खैबर नाम का एक रेस्टोरेंट है ये। उनके ऊपर जो पुराने जमाने में वो नहीं होते थे लकड़ी के, वो लट्ठे, ये कश्मीरी स्टाइल है। प्याज खाने बैठे, इतनी भूख लग रही है। रात की बज गया है 10:30 और हम लोग लौटते हैं अपने होटल खाना खा के। अब हम लोग आ गए हैं होटल में, अब हम जा रहे हैं सोने। तो गुड नाइट, तो गुड मॉर्निंग, और अभी हम लोग आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। तो बेबी आप कहाँ पे हैं अभी? ताजमहल पैलेस के, हम ताजमहल पैलेस के गेंद कक्ष के अंदर भोजन ग्रहण करने आए हैं। इफ़ यू से दैट इन इंग्लिश, इट्स बॉल रूम एंड इट्स ब्रेकफास्ट टाइम, सो वी आर ओवर हियर टू ईट समथिंग। बॉल रूम। बेबी तुम क्या कर रही हो? तो इतना कम खाओगी? हरा चना साड़ी।